पहला उनका जो उद्देश्य था, उनका जो पहला नंबर है बाढ़ में नगर परिषद का वर्तमान बोर्ड में जो भी पट्टों के बारे में और स्टेट ग्रांट के पट्टों के बारे में उन्होंने जो कहा है, सरकार द्वारा अभी स्टे लगा हुआ है और प्लानिंग गुलाबचंद कोठारी राजस्थान हाईकोर्ट में उनकी जो सरकार के खिलाफ याचिका लगी थी उसी कारण हमारे को सरकार द्वारा एक लेटर मिला। वो लेटर आपको इस कॉपी में मिल जाएगा। मैंने जो आपको जितने भी ये डॉक्यूमेंट दिए आप इसमें जानकारी ले सकते हो। सेकंड पॉइंट, लाइट पानी एनओसी के बारे में, जिनके पट्टे हैं उनको तो एनओसी लाइट पानी की आज तक दी जा रही है और दे रहे हैं। कुछ खचरों के कारण कुछ समस्या आ रही थी तो मैंने आयुक्त महोदय को आदेशित किया है कि आयुक्त महोदय, शहर की जो मूलभूत सुविधा के लिए आप वंचित नहीं रखते हो, जो भी नियमों में जैसे भी बने और जैसे भी हो, अगर उनको आपको, अगर जहाँ रह रहे हैं लोग और आपको लग रहा है तो वहाँ जाके आप उसकी जांच करके एनओसी दी जाए और एनओसी देनी भी चाहिए। तीसरा पॉइंट है नगर परिषद सफाई व्यवस्था। 2 तारीख को जो ये कुछ अफसरों द्वारा 20-25 दिन जो प्रॉब्लम चली उसके कारण शहर में करीब काफ़ी कचरा इकट्ठा हो चुका था। अब हमने आपको लेटर द्वारा भी ज्ञात कर दिया है, सभी वार्डों में हमने सफाई का अभियान चला दिया है। हर वार्ड का हर तारीख और टाइम दे दिया है और हर वार्ड को साफ सुथरा करना है, ये हमने प्लान बना के और सभी जिम्मेदारों को सूचित किया है और आयुक्त को भी का मॉनिटरिंग करते हुए शहर साफ सुथरा होना चाहिए। वार्डों का कुछ जगहों कार्य ज़्यादा हो रहा है और कुछ जगह कार्य कम हो रहा है, तो कई भी वार्ड छोटे हैं, कई वार्ड बड़े हैं, कई कच्ची बस्ती हैं, कई प्रॉब्लम में हैं, कई सालों से जहाँ रोडें नहीं बनी, जहाँ जहाँ व्यवस्थाएं नहीं थी तो वहाँ कुछ पैसा ज़्यादा भी लगेगा। शहर की मेन रोडें जितनी थी हमने सब मेरे आने से पहले स्थिति पूरी जनता को, मीडिया को, सबको पता है किस स्थिति में मैं आया था। उस समय स्थिति को देखते हुए शहर की मेन सड़कें और काफ़ी वार्डों की सड़कें मैंने सीसी बनवा दी है।